न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चीन से बोला भारत, दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर कोई कृत्रिम विवाद पैदा नहीं किया जाना चाहिए। योगी बोले नकल माफिया पर सरकार सख्त, कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों पर होगी FIR। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में हुआ मिट्टी खरीद घोटाला, लालू के परिवार को मिला पूरा लाभ। प्रशांत भूषण ने भगवान कृष्ण पर किए विवादास्पद ट्वीट पर माफी मांगी। जानी मानी शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर का निधन। जनता के पैसे पर डाका डाल रहे केजरीवाल, कहां भाजपा ने। कोहली की खलेगी कमी, कई स्टार खिलाड़ियों के बिना शुरू होगा IPL। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में जन्म देने के कुछ ही मिनट बाद महिला ने नवजात की हत्या की। गुजरात के भरूच में सरकारी बस में लगी आग, बाल बाल बचे 70 यात्री। रूस के मेट्रो स्टेशन पर हमले के पीछे था किर्गिस्तान के आत्मघाती हमलावर का हाथ। वाडा डोपिंग तालिका में लगातार तीसरे साल भारत तीसरे स्थान पर। दिल्ली में महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में IAS अधिकारी गिरफ्तार। खराब मौसम के चलते दलाई लामा को बदलना पड़ा तवांग दौरे का कार्यक्रम। इंदौर में IPL मैचों को लेकर भारी उत्साह, टिकटों के लिए उमड़ी भीड़। कानपुर में पति ने पत्र से पत्नी को दिया 3 तलाक, महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। और इस तरह बाकी खबरों के लिए देखते रहिए webdunia.com।